334 ईसा पूर्व में 23 वर्ष के राजकुमार सिकंदर ने मैसिडोनिया ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की थी। सिकंदर की सेना में 1,00,000 सैनिक थे जो कि 10,000 मील का रास्ता तय करते हुए ईरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। उनकी जंग राजापोरस से हुई, जिस युद्ध के बारे में आज तक अलग अलग बातें कही जाती हैं। चलिए जानते हैं कि राजापोरस और सिकंदर के बीच जंग की असली कहानी क्या है और ये सिकंदर ने इतनी दूरी कैसे तय की और कैसे धरती को जीता। 326 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब सिकंदर ईरान में थे तब उन्होंने भारत के नजदीकी शहरों के राजाओं को संदेशवाहक भेजकर कहा कि वो उनका नियंत्रण स्वीकार कर ले। जैसे सिकंदर काबुल की घाटी में पहुंचे इन राजाओं ने उनसे मिलना शुरू कर दिया। उनमें से एक थे भारतीय नगर तक्षशिला के राजकुमार अम्बी। सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को 65 हाथी भेंट किए ताकि उनका इस्तेमाल सिकंदर अपने अगले अभियान में कर सके। अम्बी सिकंदर की इतनी आवभगत इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसके दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर उसका साथ दे। मार्कस कार्टियस लिखते हैं कि तक्षशिला ने जानबूझकर सिकंदर के लिए भारत के द्वार खोल दिए थे। उसने सिकंदर की सेना को अनाज से लेकर 5,000 भारतीय सैनिक और 65 हाथी भेंट किए। उनका युवा जनरल सेंद्रो कुप्तोस भी था सिकंदर के साथ हो लिया। सिकंदर ने तक्षशिला में 2 महीने बिताकर वहां के राजा की मेहमान नवाजी का आनंद लिया। फिर आगे की कार्रवाई करने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। उन्होंने हेफेस्टियन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना खैबर दर्रे के पार भेज दी ताकि वो रास्ते में पड़ने वाले कबायली विद्रोहियों को कुचल सके और इससे भी जरूरी जल्द से जल्द सिंधु नदी पर पहुंचकर एक पुल बना सके ताकि सिकंदर की सेना नदी पार कर सके। वे लिखते हैं कि इस रास्ते पर कई भारतीय राजा और बड़ी संख्या में इंजीनियर सिकंदर की सेना के साथ चल रहे थे। सिकंदर एक घुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदकुश के पूर्व में गए ताकि वो उस तरफ रहने वाले कबायलियों को अपने नियंत्रण में कर सके। रास्ते में ऐसे जो भी राजा सिकंदर को मिले उन्होंने उनके सामने हथियार नहीं डाले। सिकंदर ने उन सबके किले पर कब्जा कर लिया। सिकंदर ने इस शर्त पर उनकी जान बख्शी कि वो उनकी सेना में शामिल हो जाएं। वो पहले तो उसके लिए राजी हो गए लेकिन जब कुछ लोगों ने धोखा देकर वहां से भागने की कोशिश की तो सिकंदर ने उनको जान से मारने का आदेश दे दिया। जब सिकंदर बजीरा नगर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां के सभी सैनिक और नागरिक शहर छोड़कर ओरनस की नाम की पहाड़ी पर चढ़ गए। इस पहाड़ी के चारों तरफ गहरी खाई थी और ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। चोटी पर समतल मैदान था जहाँ बड़ी मात्रा में अनाज उगाया जा सकता था। वहां पर पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। सिकंदर के स्थानीय गाइड ने सिकंदर को बताया कि हरकुलिस भी उसी पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद सिकंदर ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। विरोधियों को ऊंचाई का फायदा मिलने के बावजूद सिकंदर के सैनिक लड़ते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। हमले से आशाचकित बजीरा नगर के सैनिकों ने अगले दिन हथियार डालने की पेशकश की। रात में उन्होंने बच निकलने की कोशिश की लेकिन सिकंदर इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उन पर हमला बोल दिया जिस वजह से बहुत से लोग सिकंदर के सैनिकों के हाथों मारे गए। बहुत से लोग खाइयों में गिरकर मर गए। सिंधु नदी तक मार्च करने में सिकंदर की सेना को 20 दिन लगे। वहां तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनवाने में उनकी मदद की। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को पता था कि किस तरह नदी के बहाव के समानांतर लकड़ी की नावों को जोड़कर नदी के पार पुल बनाया जा सकता है। सिकंदर के जासूसों ने उनको खबर दी कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है जिसमें कई भीमकाय हाथी भी शामिल है। सिकंदर का मानना था कि वो पोरस की सेना को हरा सकते हैं लेकिन मानसून शुरू हो जाने के कारण ऐसा आसानी से नहीं होगा। सिकंदर की सेना को बारिश में लड़ने का तजुर्बा जरूर था लेकिन उन्हें जबरदस्त गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वहां से उन्होंने पोरस को संदेश भिजवाया कि वो अपनी सीमा पर आकर उनसे मिले और उनकी अधीनता स्वीकार ले। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन वो अपने राज्य की सीमा पर मिलने के लिए तैयार है। सिकंदर उनके सैनिक कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। सिकंदर ने नदी के उत्तरी किनारे पर शिविर लगाया। वो जगह की तलाश में थे जहाँ से उनका नदी पार करना पोरस को दिखाई न दे। पोरस को झांसा देने के लिए उन्होंने अपनी सेना को नदी के तट के काफी पीछे भेज दिया। सिकंदर ने अपने सैनिकों को एक जगह नहीं रखा। कभी वो पश्चिम की तरफ जाते तो कभी पूर्व की तरफ। इस बीच वो नदी किनारे पर अलाव जला लेते और काफी शोर मचाने लगते। ऐसा वो हर रोज करते। नदी के दूसरे तट पर मौजूद पोरस के सैनिक पहले तो सिकंदर के सैनिकों के इधर उधर जाने पर हरकत में आ जाते लेकिन फिर समय के साथ वे उसके आदि हो गए और उन्होंने उन पर कड़ी नजर रखनी बंद कर दी। सिकंदर के विपरीत पोरस की सेना एक ही स्थान पर खड़ी रही क्योंकि सबसे आगे हाथियों को तैनात किया गया। उनको बार बार इधर उधर करना काफी मुश्किल था। सिकंदर ने भी यही आदेश दिया कि पास के खेतों से अनाज उसके शिविर तक पहुंचाया जाए। पोरस के जासूसों द्वारा ये खबर दिए जाने पर पोरस ने इसका अर्थ ये लगाया कि सिकंदर का वहाँ मानसून खत्म होने तक रुकने का इरादा है। इसी बीच एक दिन वहाँ तेज आंधी और तूफान आया। सिकंदर ने इसका फायदा उठाते हुए अपने सैनिकों से नदी पार करवानी शुरू कर दी। हालांकि इस प्रयास में कई सैनिकों की बिजली गिरने से मौत भी हुई। जब पोरस को इसका पता चला तो उन्होंने सिकंदर के सैनिकों को नदी पार करने से रोकने की कोशिश की।
हालांकि पूरस एक बहादुर और सक्षम सेनापति था, लेकिन उनके सामने समस्या थी। बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त सिकंदर के सैनिक कई साल से जंगों में लड़ते आ रहे थे। दुश्मन के इलाके में घुसने में उन्हें महारत थी और इससे निपटना पूरस के लिए एक चुनौती थी। पूरस के पक्ष में सिर्फ एक बात थी, उनकी सेना में काफी संख्या में हाथी थे, लेकिन समय के साथ सिकंदर के सैनिकों को हाथियों से लड़ने का तरीका आ गया था। सिकंदर के सैनिक हाथी को घेर लेते और उस पर भालों से हमला करते। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख में निशाना लगा देता। जैसे ही हाथी की आंख में तीर लगता, वो अनियंत्रित होकर इधर उधर डोलने लगता और अपने लोगों को कुचल डालता था। सिकंदर ने अपने सैनिकों को पोरस के सैनिकों के बाएं और दाएं भेज दिया और कहा कि वो आगे जाकर पीछे से पोरस के सैनिकों पर हमला कर दें। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पर पंजाब में जलालपुर में हुई थी। सिकंदर अपने बुसेफिल्स घोड़े पर सवार थे, तभी एक तीर घोड़े को लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर दुख करने का समय भी नहीं मिला, उन्होंने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध जारी रखा। जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, सिकंदर के सैनिकों ने पीछे से आकर उनका हमला बोल दिया और उनके पीछे भागने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन एक भीम का हाथी पर सवार पोरस ने लड़ना जारी रखा। सिकंदर ने उनके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके पास संदेशा भिजवाया कि अगर वो हथियार डाल दे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इस संदेशवाहक का नाम था ओम फेस। पोरस ने संदेशवाहक को अपने भाले से मारने की कोशिश की, तब सिकंदर ने पोरस के पास एक दूसरा संदेशवाहक भेजा। उन्होंने पोरस को हथियार डालने के लिए मना लिया। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं, जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटनों के बल बैठकर उन्हें नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस के 6 फीट ऊंचे डीलडॉल को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी कराने के लिए युद्ध क्षेत्र से जाने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पोरस को न सिर्फ उससे जीती हुई जमीन लौटा दी, बल्कि आसपास की कुछ अतिरिक्त जमीन भी उनको सौंप दी। सिकंदर के सहायकों ने इसे पसंद नहीं किया। वहीं पर सिकंदर की सेना ने अपने मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। अपने मारे गए घोड़े की याद में सिकंदर ने युद्ध स्थल के पास एक नए शहर की स्थापना की और अपने घोड़े के नाम पर उसका नाम बुसेफिल्स रखा। सिकंदर के जीवनीकार प्लूटार्क लिखते हैं, जब तक पोरस लड़ने की स्थिति में थे, उन्होंने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया। इस जंग के बाद सिकंदर आगे बढ़कर भी गंगा के तट तक जाना चाहता था, लेकिन उनके सैनिक इसके खिलाफ थे। एक पुराने सैनिक ने पूरी सेना की तरफ से बोलते हुए कहा, तमाम खतरों के बीच इतने लंबे समय तक आपके साथ यहाँ तक आने से हमारा सम्मान बढ़ा है, लेकिन अब हम थक चुके हैं और हमारी हिम्मत जवाब दे गई है। इस दौरान हमारे कितने साथी खत्म हो गए और जो बचे उनके पूरे शरीर पर इस अभियान के निशान है। उनके अपने कपड़े तब तक तार तार हो गए, अब उन्हें अपने कवच के नीचे ईरानी और भारतीय कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हम अपने माता पिता को देखना चाहते हैं और अपने बीवी बच्चों को फिर से गले लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब वापस मैसिडोनिया चलें। उसके बाद आप नई पीढ़ी के लोगों को लेकर एक बार फिर दूसरे अभियान पर निकल जाइएगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। आखिर सिकंदर को स्वीकार करना पड़ा कि गंगा तक जाने का उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। तब उन्होंने अपने सारे सैनिकों को जमा करके ऐलान किया कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व की तरफ एक उदास निगाह डाली और वापस अपने देश मैसिडोनिया की तरफ चल पड़े।